हेलो अस्सलाम हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भाई कैसे हैं? हाँ नमस्कार भाई। और समय आपको भाई पहचाना हम्म, पहचाना या नहीं? जी हाँ पहचान लिया। अब्दुल मनान साहब। जी जी हम्म, बताइए भाई। और बताइए, बिजी हैं क्या? नहीं भाई, लेटे थे, बताइए। पूछ रहे था कि ग्रुप में काफी दिनों से अपने आज भी कल भी दो तीन दिन देख रहा हूँ जैसे आयशा की हदीस जो पेश की जा रही है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि हजरत आयशा की जो हदीस पेश कर रहे हैं क्या से ताल्लुक से, तो क्या उस भाई हदीस रोजा पर रख के आप? आपने बहस करने के लिए फोन किया है? अरे मेरे भाई, अफो भाई, इतनी गुफ्तगू आपको एक तरह का सवाब का काम है, इतनी गुफ्तगू में इतनी देर इंसान गुफ्तगू नहीं, में वो शामिल इल्मी होगा, मेरे भाई इतनी कब वो जहालत में बदल जाएगी वो हमें अरे पता है ना नहीं जहालत में बदल जाएगी तो आप सही से लाइन पे रहेंगे तो जहालत में कैसे बदलेगी? भाई। रोजा रख के अल्लाह के वास्ते बहस के लिए अरे फोन मेरे ना भाई, किया कीजिए मेरे भाई। अफो भाई, अरे अफो भी हदीस के ताल्लुक पे हम बातें करेंगे, इससे उस चीज को आपको क्या काम कम आएंगे? नहीं अभी रोजे अगर में ना अभी आप कीजिए हदीस के ताल्लुक अभी से आप भाई, क्योंकि सो रहे हदीस हैं आपकी हलक के रोजा, नीचे अरे उतरेगी अरे नहीं। मैंने अभी हलक से नीचे आप उतारेंगे तो क्यों नहीं उतरेगी? तो हम नहीं उतार सकते ना, वरना हमारा तो रोजा नहीं टूट उतार जाएगा। सकते? अच्छा, यानी हदीस अच्छा तो कम था ना, रोजा तो अच्छा, ठीक रोजा है, जल्दी तोड़ने में बताइए मेरे भाई क्या बात करना है। अच्छा, मैं ये बात कि हजरत आयशा की जो हदीस पेश की जाती है एकदम बहुत ही एकदम हाई फाई अंदाज में, तो मेरा कहने का मतलब है कि इस चीज पर आपका अमल है आप लोगों का? अलहमदुल्ला, हाँ अलहमदुल्ला अमल है। हम्म, जरा हदीस पढ़ के सुनाइए, जरा उर्दू उर्दू तर्जुमे के साथ ही सुना दीजिए, जो अरबी के साथ तो आप सुना नहीं सकते हैं, उर्दू ही तर्जुमे के साथ सुना दीजिए। नहीं अरबी आपके समझ में नहीं आएगी, उर्दू में आपको नहीं सुना देते हैं। समझ ठीक है, समझा, समझ में तो उसको अम्मी आ रही है आयशा ना, रजी क्योंकि अल्लाह हम तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान हो, 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। 8 रकात कयामुल्लैल, 3 रकात वित्र, 4 रकात पढ़ते तो करो उसकी लंबाई और लोग खूबसूरती को मत पूछो, फिर अपो चार भाई, रकात पढ़ते उसकी लंबाई और खूबसूरती को मत पूछो, फिर 3 रकात वितर पढ़ते। हाँ आपने जो अभी ये तर्जुमा किया कि गैर रमजान में 11 से ज्यादा ना पढ़ते थे, उसके बाद आपने अपनी तरफ से जो अल्फाज लगाए 8 रकात ये और 3 रकात वितर, ये अल्फाज है हदीस में? भाई इसका माना है। अरे मेरे भाई, माना तो जब हदीस, जब तक हदीस के अल्फाज तो में होंगे तो चलिए माना 11 रकात कैसे है, तो होते हैं? 11 रकात क्या है वो आप बता दीजिए। अरे मेरे भाई, मैं ये नहीं, मैं अगर सिर्फ और आठ सिर्फ रकात हदीस, और 3 रकात भाई वो नहीं है तो क्या है? अरे मेरे भाई अफू भाई, सिर्फ और सिर्फ हदीस का तर्जुमा करने आपको बोला है, मैंने अपनी तरफ से खुलासा तशरीह नहीं चलिए करने भाई, बोला है रावी आपको। हदीस पूछते हैं अम्मी आयशा से कि अल्लाह के नबी की रमजान की जो भाई वो नमाज की रकात है उसके ताल्लुक से बताइए। तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमजान हो या गैर रमजान हो, रावी हदीस पूछ रहे हैं रमजान की बात, ठीक, लेकिन अम्मी आयशा जवाब दे रही है रमजान हो या गैर रमजान हो, अल्लाह के नबी 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, 4 रकात पढ़ते थे उसकी लंबाई और खूबसूरती का आलम मत पूछो, उसके बाद 4 रकात पढ़ते थे उसकी लंबाई और खूबसूरती का आलम मत पूछो। सही बुखारी हदीस नंबर 1147 और 2013। 11 रकात का जिक्र है ना, हाँ और इससे आप क्या आपने साबित करना चाहते हैं कि तरावी 8 रकात है? नहीं तरावी नहीं मेरे भाई, कयामुल्लैल। हाँ तो कयामुल्लैल 8 रकात है ना, लेकिन इस हदीस में तो 11 रकात का जिक्र है, हम्म, इस हदीस में तो 11 रकात का जिक्र तो 3 रकात वितर है ना, है। तो जिक्र है इस हदीस के अल्फाज में, आप ये दिखला दो कि 3 रकात जिक्र हदीसी है के क्या अल्फाज में है ना। क्या? अरे हदीसी के अल्फाज में है ना, तो हदीस के अल्फाज में वितर का लफ्ज है कि 3 रकात पहले जिक्र चार है? रकात पढ़ते तो उसकी लंबाई और खूबसूरती को मत पूछो, अरे फिर अरे वो चार तो रकात रकात पढ़ते की उसकी तारीफ लंबाई है और ना मेरे खूबसूरती भाई, को मत वो पूछो, तो फिर तीन रकात रकात की वितर पढ़ते, तो ये चार चार क्या हो गए, 8 रकात हो गया कयामुल्लैल और 3 रकात हो गया वितर। तो आगे जो आपने बताया कि 3 रकात की खूबसूरती का मत पूछो, तो उसमें ये लफ्ज है कि 3 रकात वितर की खूबसूरती का नाम मत पूछो? तो जब 3 जोड़ेंगे तभी तो 11 रकात होगा अरे मेरे भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि 11, 20, 25 होगा, सिर्फ और भाई, सिर्फ इसीलिए इतना मैंने है कहा कि था रोजा रख के बहस मत किया कीजिए, मन नहीं 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 करता बहस अच्छा करने का। नहीं, हेलो हेलो हेलो, मैं सिर्फ हदीस तो आपका, और दूसरी बात ये कि इस हदीस में रमजान, गैर रमजान किसी को खास नहीं किया गया बल्कि पूरे साल पढ़ते, तो आप लोग खास तौर से रमजान में क्यों पढ़ते हैं?
अरे मेरे भाई में है रमजान, गैर रमजान पूरे साल पर पढ़िए ना, हूं। कौन आपको रोक रहा है अल्लाह के बंदे? अरे मेरे भाई आपने कहा कि हमारा इस हदीस पर अमल है, अमल तो तभी तो अमल है ना रमजान में मेरे भाई पर... हम पढ़ते हैं ना, अब जो नहीं पढ़ते वो हमारे लिए हुज्जत थोड़ी ना है। अरे मेरे भाई अमल तो सूरत में माना जाएगा जबकि आप पूरे साल पढ़ते हो, आप रमजान में। अरे बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से रमजान की रातों में कयाम करता है अल्लाह सुबहान व तआला भाई उसके गुनाह माफ कर देते हैं। तो यहाँ रमजान की रातों की कयाम के बारे में आ रहा है ना, तो हम पूरा रमजान पढ़ते हैं कयाम उल रमजान। अरे मेरे भाई आप दूसरी हदीस से चलेगा, जैसे आयशा की हदीस से मैंने फोन उसके लिए फोन किया मैंने आपको, दूसरी तो एक ही हदीस से आपने पूरा दीन सीख लिया, मतलब ये कोई उसूल है कि हम एक ही हदीस लेंगे बाकी हदीसों को जमा नहीं करेंगे? हमने दीन सीखने के लिए इतने फोन किया, सिर्फ इसलिए फोन किया कि इस हदीस पर अमल है या नहीं है। हाँ अमल है, अब आप साबित कीजिए तो कि आपका अमल है। अरे अरे मेरे भाई जब अमल है तो अमल तो उसी सूरत में माना जाएगा जबकि रमजान तो आप ना मानिए मेरे भाई, आपके मानने या ना मानने से कोई दीन थोड़ी ना चल रहा है। जी भले आप उल्टा सीधा टांग खींच रहे हैं, आपको जवाब नहीं बन पा रहा है। नीचे अल्लाह के बंदे मैंने बता दिया कि भाई रमजान हो गए रमजान हो, अल्लाह के नबी 11 रकातों से ज्यादा नहीं पाते थे, 8 रकात कयामुल लैल है, 3 रकात वितर है। अब अगर कोई 20 पढ़ रहा है वो भी जायज है, कोई 200 पढ़ रहा है वो भी जायज है, लेकिन सुन्नत तादाद है वो 8+3 रकात है। हम 200 या 1000 या कोई लाख रकात पढ़े उस पर बहस नहीं, बहस इससे है कि इस हदीस में रमजान गए रमजान पूरे साल का जिक्र है, तो आप लोग रमजान की भी तख़सीस इस हदीस में कहाँ, इस हदीस में पूरे साल हुजूर पढ़ते थे तो अमल आपको कैसे माना जाए? अरे मेरे भाई अल्लाह के नबी के ऊपर तो रात की नमाज भाई फर्ज थी ना, सूरह इसरा में आया हुआ है कि अल्लाह के नबी के ऊपर रात की नमाज फर्ज थी। रात की नमाज मत बोलिए, तहज्जुद की नमाज पढ़ती। अरे रात ही की भाई कयामुल लैल को ही तहज्जुद कहते हैं, उसी को तरावी कहते हैं, दोनों एक ही नमाज है ना? दोनों एक ही है। मैंने तो आपसे पिछली बार भी कहा था कि अगर आपके नजदीक तरावी तहज्जुद अलग अलग है तो दुनिया में भाई कोई एक हदीस मुझे पेश कर दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने एक ही रात में 20 रकात तरावी पढ़ी हो, उसी रात में 8 रकात तहज्जुद पढ़ी हो और उसी रात में 3 रकात वितर पढ़ी हो। तिर्मिज़ी अबू दाऊद निसाई में है कि हुजूर जिन दिन रातों में तरावी पढ़ी तो उसका वक्त तिर्मिज़ी में बयान किया है अव्वल शब सोने से पहले, और तहज्जुद के ताल्लुक से बुखारी में मुस्लिम में हदीस है। मैंने क्या कहा? मेरा सवाल मेरे भाई चना है, जवाब आप दे रहे इमली का। तो मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह के नबी से रमजान की एक ही रात में 20 रकात तरावी और उसी रात में 8 रकात तहज्जुद और उसी रात में 3 रकात वितर, आप साबित कर दीजिए तो मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। अरे मेरे भाई किसी हदीस में अगर हुजूर के क्या नाम हुजूर ने तरावी इस पर मुत्तफा किया कि हमेशा नहीं पढ़ी है, अल्लाह के नबी ने रात की नमाज हमेशा पढ़ी, अल्लाह के नबी के ऊपर भाई रात की नमाज तहज्जुद कयामुल लैल फर्ज थी। जब हमेशा पढ़िए तो उस 3 दिन का जो आपने हदीस इससे पहले वो बयान की थी 3 दिन में जमात के साथ पढ़ी, उस नमाज का क्या नाम था? उसका भी नाम कयामुल लैल था। हैं? अरे कयामुल लैल था मेरे भाई। आपको खुद ही जब तरावी का तो अल्फाज आपको कुरान हदीस में मिलेगा ही नहीं, ना ही अल्लाह के नबी की जबान से आपने कभी सुना होगा, ना ही कभी सहाबा ने अपनी जबान से तरावी का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये तो मुहद्दिसीन ने एक आसानी समझाने के लिए उसको एक टर्म में इस्तेलाह में उसको नाम दे दिया है। ये बताइए अगर तहज्जुद और तरावी अगर एक ही नमाज हो तो दोनों का, अगर नहीं एक ही नमाज है वो तो दोनों का फिर वक्त इमाम बुखारी ने अलग क्यों बयान किया, जरा ये बताओ आप। अरे मेरे भाई दोनों के बाप के नाम अलग हैं, दलील दोनों की एक ही आ रही है ना, तरावी के बाद में भी अम्मी आयशा की हदीस आ रही है, तहज्जुद के बाद में भी अम्मी आयशा की हदीस आ रही है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का कीदा था कि तरावी तहज्जुद दोनों एक है, अब आप साबित करो ना दोनों अलग अलग है। इमाम बुखारी का अगर अकीदा तहज्जुद और तरावी एक होता तो इमाम बुखारी ये नहीं कहते कि तहज्जुद की नमाज आखिरी शर्म में पढ़ी और क्या ना इमाम बुखारी शरीफ की शर्म है। अरे भाई आप पहले पढ़ लीजिए, आए आए आप कर रहे हैं, आपको कुछ आता जाता है नहीं, ठीक है? आता जाता हमको लग रहा है रोजे में आप बौखला गए, ठीक है? बस तहज्जुद के लिए सोना शर्त है, नींद शर्त है तहज्जुद, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ऐसा अरे मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं, आप कहने अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए आयशा मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जागता है। हाँ तो क्या कहा था? तो ये मौजूदा है ना अल्लाह के नबी का कि अल्लाह के नबी के ऊपर कभी नींद इतनी हावी नहीं हो जाती, इतनी तारी नहीं हो जाती कि वो सुदबुद को बैठे। अल्लाह के नबी की आंखें सोती थी लेकिन दिल जागता था।
अरे मेरे भाई आंखें सोती थी ना, तो आंखें तो सोती थी ना, तो सोना पाया गया हाँ, ना। तो दिल तो जागता था ना, तो भाई अल्लाह के नबी तो जाग रहे थे। भाई तुम जहां जहां भागोगे वहां वहां से पकड़ेंगे मेरे भाई। अब तुम फटाफट हमको बता दो कि अल्लाह के नबी ने रमजान की कौन सी रात को, उसी रात में 20 रकात तरावी और उसी रात में 8 रकात तहज्जुद और उसी रात में 3 रकात वितर पढ़ा हो, अरे मेरे तो सारी भाई कंफ्यूजन ही दूर हो जाए भाई, ये बात सुन, सारे अहले हदीसों की इस्लाह हो जाएगी अगर आपने एक दलील दे दी तो। एक ही रकात में हुजूर ने तरावी पढ़ी और एक ही तरावी के रकात में बाद नहीं, एक ही तहज्जुद, रात में मेरे भाई, एक ही रात में तरावी पढ़ी उसी इसी रात में तरीके से आप लोग तहज्जुद ने के हदीस बाद में नमाज। तारीफ किए, जहाँ अरे पे मेरे रात भाई आया है हदीस वहाँ पे आपने तहरीफ, रात को हटा के रकात बना दिया अरे है, तहरीफ तो जहाँ आप पे लोगों ने 20 रातों का किया, जिक्र आया है वहाँ पे आप आपने 20 रकात बना दिया है। इतने बड़े तो आप व्हाट्सएप लोग में गुनाहगार इंसान अभी हो। शरे वकाया का हवाला आपने भी दिया था और व्हाट्सएप में ग्रुप में कि शरे वकाया तरावी 8 रकात हाँ है ना। शराब, हाँ मेरे अरे भाई, झूठ शराब पे विकाया झूठ, सफा तुम लोग नंबर झूठ 133 पे बोलते उतरा हो, हुआ है लानत कि अल्लाह तरावी अलकाज़मीन, में वितर आप के 11 रकात बताइए साबित है। शरे विकाया मैंने असली अरबी इबारत में आई अरब ग्रुप में भेजा है, आप लोगों को झूठो है, भाई झूठे शराब विकाया कज्जाब आदमी भाई हो मेरे पास भी आप, रखी झूठे हुई है, मैं कज्जाब आपको आदमी फोटो हो। खींच के भेज दूंगा, आप उसको मैंने देख फोटो लीजिएगा। खींच के आई अरब ग्रुप में भेज दिया है, वो जो कल आप परसों इंटरनेट की भेज जो दिया है भाई, देखिए जिल्द का अंतर हो जाता है, ठीक अरबी है। वाले। अरे मेरे भी अरबी इबारत के साथ भेजे, उसमें है अरे तो अरबी आपसे क्या अतरावी समझ में अजीब आएगी, जिल्द नंबर का फर्क वाले, होता है ना, कौन सी जिल्द में आपने देखा बताइए। अजीब वाले दो ही की तो कोई बहुत जखीम किताब है कि शरह बताए मेरे भाई, नहीं, आप कौन तो सी जिल्द में पहले आपने देखा है पहले क्या बताइए। हाँ है दूसरी जिल्द में, दूसरी जिल्द में दूसरी जिल्द में, तो हाँ, इसमें आप लफ्ज खुद है ही मेरे भाई बेवकूफ अतरावी, है, जिल्द नंबर अतरावी तो एक में ऐसे सफा हुआ नंबर 133 पे है। तो वो आपकी उर्दू तर्जुमा में है ना, आपने अरबी से कोई लेना देना है नहीं, तो शरीफ बका उर्दू में थोड़ी ना, तो आप जिल नंबर बता रहे हैं भाई सफा तर्जुमा नंबर एक तो सौ उर्दू तैतीस में है अरे ना, काहे के मेरे हनफी भाई आलिमों ने तर्जुमा उर्दू में उर्दू, तर्जुमा किया है। अरे तो तर्जुमा जब उर्दू उर्दू है का तो कोई लेना हमें देना ही नहीं है, चलेगा, तो क्या ये लोग पागल थे हनफी लोग जो उर्दू में तर्जुमा करके बैठ गए हैं। शरे विकाया असली अरबी इबारत में असल किताब का हवाला दो आप, उर्दू इबारत के लिए भाई आप मैं आपके ले रहा हूँ सारे के एक सारे हनफी सुनना, आलिम और जो उर्दू हनफी अल्लामा हैं, उर्दू तर्जुमा सबके जायज नजदीक है। 11 रकात तरावी है, अरे वही ग्यारह तो मैं रकात बताता हूँ तहज्जुद है, ठीक व्हाट्सएप है। पे ही दोनों वो मैंने मानते हैं कि तरावी आई तहज्जुद आर दोनों एफ एक है, और इमाम व्हाट्सएप, अबू हनीफा अच्छा रहीमुल्लाह के जो शागिर्द थे, ठीक है, बस सुनो तरावी इमाम तहज्जुद के मोहम्मद अगर रहीमुल्लाह, तरावी बस वो सुनो अपनी तरावी, मौत्ता मोहम्मद में भी अम्मी आयशा वाली हदीस को लेके आए अरे हैं, अरे और उन्होंने कहा है कि तरावी 11 रकात है। देखिए अब बताइए। अम्मी आयशा वाली हदीस को इमाम मालिक ने भी तख़रीज किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी तख़रीज किया, इमाम लेकिन मालिक रहीमुल्लाह का दोनों खुद भाई इस बात पे अमल अजीब था, वाले इमाम, अरे इमाम मालिक पागल रहीमुल्लाह का आदमी, खुद इस पागल बात हो पे तुम, अमल था कि तुमको अल्लाह खुद ही के नहीं नबी पता की जो है सुन्नत थी इमाम वो ग्यारह मालिक के रकात नजदीक, थी, लेकिन इमाम अहले मालिक मदीना के का नजदीक अमल 36 रकात तरावी था, नहीं है, 37 रकात था, इस अरे टाइप से तुमको था। खुद ही नहीं पता, इमाम मालिक के नजदीक खुद तरावी 8 रकात नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक भी 8 रकात, अरे तो मेरे इमाम भाई अहमद हद बिन है, हम्बल ने जब तुम कौन हो, ये तुम हनफी हो हदीस, कि मलकी हो या हम्बली हो, कौन हो भैया अरे तुम? मैं हदीस के जो तुम पेश किया हनफी इमाम हो मालिक, तो हनफी मैं इमाम हनफी अबू हूँ, हनीफा और हनफी आलिमों को छोड़ के क्यों भागे मेरे भाई? मैं क्या भागा, मैंने क्या दलील दिया जरा ये बताओ, मैंने क्या दलील दिया ये बताओ, भाई तुम इमाम मालिक के ऊपर मैंने और दलील इमाम क्या, अहमद मैंने बिन हम्बल के ऊपर तुम कैसे इमाम भाग मालिक गए, के बारे, जब तुमको मैंने अपने इमाम इमाम मालिक के अबू बारे में, हनीफा रहमतुल्लाह की अरे बात मेरे समझ में भाई नहीं कहा आती था, है, तो इमाम मालिक मैंने रहमतुल्लाह अभी, की बात कहाँ से समझ में आएगी, अरे इमाम अहमद जाहिल बिन हम्बल आजम, रहमतुल्लाह की बात कहाँ से इमाम समझ में मालिक की आएगी? मैंने अभी क्या बात की जरा ये बताओ ना, अभी क्या भाई बात आप कही मैंने, अपने हनफी आलिम की बात मानेंगे या इधर अरे उधर की मेरे बात भाई मैं करेंगे? इमाम मालिक की कोई बात मानने का भी मैंने तुमको कहा है, मैंने कहा कि ये हदीस को इमाम मालिक ने भी तख़रीज किया, लेकिन इमाम मालिक फिर उसके बावजूद इमाम मालिक के नजदीक 8 रकात नहीं है, तो तख़रीज करने का मतलब क्या हुआ, भाई मुझे इमाम अल्लाह मालिक के ने जब नबी इस की हदीस, एक रात में आप हमको नमाज आप बता ये दीजिए अल्लाह पूरी के नाम। भाई बुखारी बस नहीं, आप पूरी बुखारी पूरी मुस्लिम बल्कि एक ज़ईफ़ हदीस भी दिखला दो जिसमें 8 रकात तरावी एक ही देखे, रात में अल्लाह के नबी से आप अलग अलग नमाजें बता दीजिए ना मेरे प्यारे भाई, कि डेढ़ सौ अल्लाह के साल नबी पहले ने एक की ही रात कोई, हाँ में सुनो मैं क्या बोलूँ, बीस आप रकात डेढ़ सौ तरावी साल अलग पढ़ी पहले, डेढ़ हो, सौ आठ साल पहले रकात किसी तहज्जुद भी अलग आलिम पढ़ी का हो कौल दिखला दो कि और तरावी 8 रकात,3 रकात डेढ़ सौ वितर साल अलग पढ़ी पहले, हो, तो मैं तो इंशाल्लाह हम भी पूछ रहा मान हूँ, लेंगे ना, अरे मान पहले ये इसमें दिखला दो, दिक्कत डेढ़ क्या डेढ़ है? सौ साल पहले किसी भी आलिम का कौल बता दो कि तरावी 8 रकात है, 150 साल पहले की किसी भी आलिम का, किसी भी एक हदीस आप दिखला दो कि तरावी जिसमें 8 रकात का जिक्र हो, ज़ईफ़ हदीस भी दिखला दो, तुमको छूट है पूरी, अच्छा भाई 20 जगह तरावी की इस दुनिया में तुमको कोई एक भी सही मैं क्या हदीस बोला, मौजूद है?
तुमको छूट है, तुम ज़ईफ़ हदीस भी दिखला दो जिसमें 8 रकात तरावी का जिक्र हो, तुमको ज़ईफ़ हदीस भी छूट है तुमको। चलो भाई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अपनी किताब मुअत्ता मोहम्मद में तरावी के बाब में अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान से मारवी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस की, आप अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, नकल करके फरमाते हैं कि हम इन हदीसों को लेते हैं और इन पर हमारा अमल है। मुअत्ता मोहम्मद 243 वो भी झूठ हवाला, वो किताब भी मैंने देख लिया। चलिए झूठ आपने सब देखा, ठीक है भाई, रोजे में झूठ मैंने कोई बात नहीं। आई आर एफ ग्रुप में देखो जाके भाई, रोजे में झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे झूठों की आई आर एफ भाई रोजा रख के भाई झूठ ना बोला कीजिए, रोजा टूट जाएगा मेरे भाई। आई आर एफ ग्रुप में शामिल हो या नहीं हो ये बताओ भाई। रोजे मैं क्या बोल रहा हूँ, रोजा रख के शामिल हो ना कीजिए, आई आर एफ ग्रुप में शामिल हो या नहीं हो, रोजा रख के झूठ मत बोला करो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, उस ग्रुप में शामिल हो या नहीं हो, रोजा रख के मेरे भाई झूठ मत बोला। अरे मेरे भाई झूठ तो आप बोलते हैं कि गलत किताबों का गलत हवाला देते हैं, शर्म नहीं आती है? रोजा रख के झूठ मत बोला करो, शर्म आनी चाहिए किताबों को गलत हवाला देते हैं। रोजा रख के झूठ मत बोला करो, रोजा रख के तुम झूठ बोलो, तुम पर लानत है। रोजे का एहतराम करो मेरे भाई पर, लानत खुदा की, तुम्हारा कोई भी रोजा कबूल नहीं होगा। रोजे का एहतराम कीजिए मेरे भाई, 24 घंटे पूछ रहे हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। इतना बड़ा बहुतान बांध दिया बिना देखे नहीं मैंने, अरे मेरे प्रूफ भेजा मैंने भाई, जानते आपके आलिम भी मानते हैं कि मुअत्ता इमाम मोहम्मद ने ये बात लिखी हुई है। अरे मैंने आप कह रहे हो ये बात है, तो रोजा रखे बोल रहे हो, मैंने ग्रुप में असली अरबी इबारत के साथ भेजा है, जरा उसमें देखो फिर बात वो ना। अरे मेरे भाई आपकी पोस्ट पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, फिर बदतमीजी आप कर रहे हैं रोजा रख के। नहीं नहीं आप बदतमीजी, रोजा रख के बदतमीजी मत कीजिए, मैंने पहले कह दिया था मुझसे भाई आप ना कीजिए। सबसे बड़ा गुनाह तो तुम ये कर रहे हो रोजे की हालत। भाई अल्लामा आइनी हनफी रहिमुल्ला फरमाते हैं कि अगर तू सवाल करे कि जो नमाज अल्लाह के नबी ने 3 रातों में पढ़ाई थी उसमें तादाद का जिक्र नहीं है, तो मैं उसके जवाब में कहूँगा कि इब्ने खुजैमा रहिमुल्ला और इब्ने हुब्बान रहिमुल्ला ने जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र के अलावा 8 रकात पढ़ाई। उम्दतुल कमरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 597। अब बताइए आप, आपके हनफी आलिमों का कॉल पेश कर रहा हूँ तो आपको क्यों जल रही है मेरे भाई? भाई तेरी क्यों जल रही है? गलत कॉल पेश किया है भाई। मैं आम तौर पे झूठ भाई मैं नहीं बोलता हूँ, तो रोजा रख के तो झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। हाफिज इब्ने भाई सुन लीजिए, हाफिज इब्ने हजर रहीमुल्ला फरमाते हैं इब्ने हुब्बान रहीमुल्ला और इब्ने खुजैमा रहीमुल्ला ने जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि आप अल्लाह के नबी ने रमजान के अलावा जो वित्र में 8 रकात पढ़ाई थी वो वित्र भी उसमें शामिल थी। फतुल बारी शरा बुखारी जिल नंबर 1 सफा नंबर 597। अब बताइए, परसों के ग्रुप में जब से अल्लामा जैली हनफी ने नजबुल लाए जिल नंबर 1 सफा नंबर 293 पर यह हदीस नकल की है कि इब्ने हुब्बान ने अपनी सही में जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से यह रिवायत नकल की है कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को 8 रकात और वित्र पढ़ाई यानी कुल 11 रकात। अब बताइए, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्ला के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहीमुल्ला अपनी किताब मुअत्ता मोहम्मद में तरावी के बाब में अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान से मारवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस भाई वो हदीस लाए है। अरे मौत सुन लीजिए, मौत भाई मुअत्ता मोहम्मद 243 पे देख लीजिए। गलत बात है, नहीं गलत बात है, मैंने परसों भाई भरोसा उठ गया परसों भाई भाई आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। ग्रुप में परसों जब गिरकाब का गलत हवाला दिया गया उस वक्त मेरा गैर मुकम्मलों पर भरोसा उठ गया भाई आप लोग हैं। हाँ तो इमाम अबू हनीफा को माजल्लाह आपने झूठा बोल दिया, तौबा तौबा तौबा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से भरोसा आपका उठ गया? इमाम अबू अपने इमाम से भरोसा उठ गया, अपने इमाम से भरोसा उठ गया? आपके इमाम भी तो गैर मुकल्लिद थे, आपके इमाम भी तो गैर मुकल्लिद थे मेरे भैया। भाई तारीफ तो आपने की, जहाँ पे 20 सत्ता आया वहाँ पे आपने 20 सकात बना दिया।